अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज़। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बाज़ार से भी अच्छी गचक घर में कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है आधा किलो गुड़, हाफ टी स्पून मीठा सोडा, देसी घी 2 चाय के चम्मच, पानी हाफ कप। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। उसमें ऐड करेंगे हम देसी घी। देसी घी पिघल जाए फिर इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। देखें दोस्तों, देसी घी मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप पानी। दोस्तों याद रखेंगे फ्लेम आपने मीडियम रखना है, तेज आंच पे गुड़ जल सकता है। अब गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए इसलिए हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे और चम्मच हिलाते रहना है। देखें दोस्तों, गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसके लिए बेहतर है कि आप नॉनस्टिक का ही बर्तन इस्तेमाल करें, इसे अच्छी तरह चलाते रहें। देखिए दोस्तों, गुड़ हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो गया है, फिर भी हमें इसे अच्छी तरह पकाते ही रहना है। चम्मच को हिलाते जाएं ताकि गुड़ नीचे लगे नहीं। दोस्तों याद रहे कि मीठा सोडा आपने अभी ऐड नहीं करना, वो कब ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी इसे हमें अच्छी तरह तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाते रहना है। दोस्तों आप देखें, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये कब बने पक जाएगा इसको चेक करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। एक प्याली में थोड़ा सा पानी ले लें। अभी पानी में थोड़ा सा ये ऐसे डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ दें। चम्मच को चलाते रहना है ताकि गुड़ नीचे लगे ना, नहीं तो गचक का जायका सही नहीं बनेगा। एक मिनट के बाद हमने देखा गुड़ अभी हमारा तैयार नहीं हुआ। 1 मिनट के हम और पकाएंगे। दोस्तों ये याद रखें कि आपने चम्मच हिलाते जाना है। फिर 1 मिनट के बाद हम ऐसे पानी में डाल के चेक करेंगे, जब तक हमारा गुड़ सख्त नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। देखें दोस्तों, ये अभी भी नरम है इसलिए अभी हम गुड़ को और पकाएंगे।
गुड़ काफ़ी गाढ़ा हो गया है, एक दफ़ा हम फिर इसे पानी में डालकर चेक करते हैं। दोस्तों ये देखें, ये हमारी टूटने लग गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह चलाते जाएंगे। और मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने शेल्फ के ऊपर ही ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह फैला लेना है। अब इसके अंदर हम ये सारा मटेरियल डाल देंगे। दोस्तों थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए फिर मैं आपसे मिलती। दोस्तों ये इसको हल्का हल्का फैला लें आप। दोस्तों अब इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। अब ठंड थोड़ी सी ठंडी हो गई है, इसको इस तरह फैला लें। अब मैं 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों हमारी लाइट ऑफ हो गई है, इसलिए ये देखें 10 मिनट के बाद ये देखें आवाज़ हो गई इसकी, कैसी प्यार हुई है। ये देखें बटक हमारी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें दोस्तों कितनी अच्छी गचक हमारी तैयार हुई है। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।